नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में दिव्यांग व्यक्ति के खाते से रिश्तेदारों ने उड़ाए 49 लाख रुपए, पीड़ित ने लगाई एसएसपी से गुहार। किसान चौपाल को लेकर कृषि विभाग ने जिले के पंचायतों में भेजी टीम। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रबी फसल की तैयारी के लिए किसानों को करेंगे जागरूक। भागलपुर में 7 करोड़ की लागत से बने ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति हुई दयनीय। मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति में हो रही है परेशानी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नसबंदी पखवाड़ा की हुई शुरुआत। जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को किया जाएगा जागरूक। और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर जिले के रसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एकचारी गांव स्थित साहू टोला के एक दिव्यांग व्यक्ति के खाते से उसके ही अपनों ने 49 लाख उड़ा लिए। बताया जा रहा है कि राजकिशोर शाह, जो शरीर से दिव्यांग है और वे पिछले कई दिनों से काफ़ी बीमार भी चल रहे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर काम कर जमीन खरीदी थी, जिसको सरकार ने 4 लेन के निर्माण कार्य के लिए ले लिए, जिसके बदले उसके खाते में लगभग 50 लाख रुपये डाले गए। दिव्यांग होने का फायदा उठाते हुए उसका भाई, भतीजा, दामाद सहित कई लोगों ने मिलकर उनके सारे पैसे को बैंक से निकाल लिया, जिसकी शिकायत दिव्यांग ने थाने में की, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद दिव्यांग न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। और वहीं न्याय की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसको एसएसपी बाबूराम द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द ही इस पर कार्यवाही की जाएगी। यहां तक कि आरोपियों द्वारा दिव्यांग को केस वापस लेने एवं जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है और कब तक पीड़ित दिव्यांग को न्याय मिल पाता है। मामला यह है कि 49 लाख रुपया मेरा भाई, भतीजा वगैरह सब जो है, उसकी बेटी सोनल और कोमल सबकी मिली भगत से जो है मेरा पैसा गबन हो गया। गबन हो गया है? जी हाँ। तो आपने इसका कंप्लेन किया है? जी कंप्लेन किए हैं यहाँ पे इकचारी के, जो इकचारी रसलपुर के जो थाना प्रभारी हैं उसको कंप्लेन किए। वो जो है एक महीना पेपर को दबा दिया, फिर जो है एक महीना के बाद जो है फिर पेपर को जो है रिसीविंग तो दिए नहीं, खाली उसमें सिग्नेचर कर दिया और फिर जो है बोले क्या ये FIR आपका हो गया। जी SSC साहब क्या बोले अभी? SSC साहब के पास गए थे मेरा भतीजा। आपको क्या बोले? SSP साहब ने कहा कि जाइए, हम DSP सर को बोल दिए, उचित कार्रवाई का आदेश हम दिए हुए हैं। भागलपुर में रवि फसल कैसे बोया जाए, इसको लेकर कृषि विभाग की ओर से बड़ी पहल की गई है। कृषि विभाग की ओर से जिले की 232 पंचायतों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को रबी फसल तैयार करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसान चौपाल के तहत कृषि विभाग की ओर से नुक्कड़ नाटक की 4 टीमों को जिले की अलग अलग पंचायतों में जागरूकता फैलाने के लिए भेजा गया है। बता दें कि रबी फसल की उपज के लिए पानी की बचत करने के साथ फसल में डाले जाने वाले खाद की जानकारी समेत कई बिंदुओं पर किसानों को कृषि विभाग द्वारा जानकारी दी जा रही है और इसको लेकर ही नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो जिले की 242 पंचायतों में करीब 20 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाना अच्छी पहल है और किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अभी जो देखे आप लोग कि किसान चौपाल के अंतर्गत ये नुक्कड़ नाटक का 3-4 टीम यहाँ से क्षेत्र में भेजे हैं हम लोग, जो हर एक पंचायत में जा कर के उसको वहाँ के किसानों को बताएंगे, जागरूक करेंगे कि रबी मौसम में जो हम लोग खेती करेंगे उसमें पराली नहीं जलाने के लिए, तो कम पानी का यूज करने के लिए, ड्रिप सिंचाई से खेती करने के लिए, दवा का प्रयोग बीज में बीज उपचार करने के लिए कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। ये नुक्कड़ के नाटक के माध्यम से किसानों को बताएंगे।
भागलपुर में 7 करोड़ की लागत से बने ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति चरमराई हुई है। कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति की समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मायगन अस्पताल में 4 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया गया, जिससे लोगों को इस तरह की समस्या दोबारा नहीं झेलनी पड़े। बताया जा रहा है कि मायगन अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में प्रेशर के साथ ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जबकि सदर अस्पताल परिसर में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट में भी यही समस्या सामने आ रही है। इधर ऑक्सीजन प्लांट में कार्यरत टेक्निकल टीम का कहना है कि 4 में से 3 प्लांट विगत 6 महीने से खराब पड़े हुए हैं और अस्पताल में मरीजों को ऑक्सीजन के ठीक ढंग से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस समस्या को लेकर ऑक्सीजन प्लांट के निरीक्षण के लिए टेक्निकल टीम को भी भेजा गया था, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट की समस्या अब तक दूर नहीं हो सकी है। वहीं देखने वाली बात यह है कि राज्य के डिप्टी CM सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या पहल करते हैं और कैसे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। ये 6 महीना से खराब है सर, और कुछ तकनीकी कारण से, मैनिफोल्ड के कारण से खराब है। डीजी का प्रॉब्लम था, डीजी का प्रॉब्लम से सॉल्व हो गया, सामान सब लगेगा, डीजी में चालू हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भागलपुर में लगभग 7 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया था। वहीं हाल की अगर बात करें तो यहाँ के टेक्निकल टीम के लोगों का कहना है कि 4 में से 3 प्लांट विगत 6 महीनों से खराब पड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस ऑक्सीजन के लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता है या परेशानी की समस्या झेलनी पड़ती है, अगर ऐसे में भागलपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट खराब पड़ा हो, वो भी 6 महीने से। फिलहाल टेक्निकल टीम यहाँ के ऑक्सीजन प्लांट का के द्वारा जो है निरीक्षण किया गया है, लेकिन अभी जो है फिलहाल अब तक 3 ऑक्सीजन प्लांट खराब पड़े हुए हैं। भागलपुर से सिल्क TV के लिए ईशुराज। जिला स्वास्थ्य समिति भागलपुर की ओर से बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पुरुषों की नसबंदी के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल परिवार नियोजन को लेकर सदर अस्पताल परिसर में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को नसबंदी के लिए जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ भी निकाला गया। जागरूकता रथ को सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा, SEMO डॉक्टर अर्चना और DPM फैजान आलम अशरफी ने हरी झंडी दिखाई कर रवाना किया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने कहा कि यह जागरूकता रथ जिले के प्रत्येक प्रखंड जाएगा, जहां लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुष नसबंदी को लेकर जागरूक किया जाएगा। CS ने कहा कि पुरुष नसबंदी जागरूकता कार्यक्रम 15 दिनों का है, जो 14 नवंबर से 24 नवंबर तक चलेगा, जिसमें दंपति सर्वेक्षण के बाद 25 से 29 नवंबर तक ऑपरेशन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। मौके पर सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजू, अस्पताल प्रबंधक जावेद मंसूर, विकास कुमार, रोशन कुमार समेत काफी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी और ANM स्कूल की छात्राएं मौजूद रहीं। ये जो पुरुष नसबंदी चल रहा है सप्ताह पखवाड़ा, उसमें हम लोग जोर दे रहे हैं कि मेल स्टरलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो, और भी नॉन कन्वेंशनल मेथड्स भी हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रचार प्रसार करा रहे हैं। आपने देखा भी अभी गाड़ी को भी हम लोगों ने रवाना किया, और ये 14 से लेकर और 24 तक 10 दिन का है दंपति सर्वेक्षण सप्ताह, और फिर उसके बाद से वो हमारा है ना ऑपरेशन वाला काम रहेगा। नहीं, भागलपुर के नरगा कोठी शिशु मंदिर में मंगलवार को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। चंपानगर स्थित पुरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर नरगा कोठी प्रांगण में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में 2वीं कक्षा से 5वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुरुआत विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य जितेंद्र प्रसाद एवं शशिकांत गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान बच्चों ने बिरसा मुंडा बनकर झांकी की प्रस्तुति करते हुए उनकी जीवनी पर भी चर्चा। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक और राष्ट्रीय गौरव वीरता एवं भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में आदिवासियों के प्रयासों की मान्यता को लेकर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा एक व्यक्ति मात्र नहीं बल्कि एक परंपरा का नाम भी है, जो जीवन दर्शन के रूप में भारत की आत्मा का हिस्सा रहे हैं। वहीं शशिकांत गुप्ता ने कहा कि जनजातीय शौर्य के प्रतीक और स्वतंत्रता के लिए सरस्वती न्योछावर करने वाले बाबा बिरसा मुंडा की जयंती को समस्त आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें उनकी जीवनी से प्रेरणा
लेना लेने की जरूरत है। मौके पर सुबोध झा, शशि भूषण मिश्र, अंजू रानी, सुप्रिया कुमारी और संजीव ठाकुर समेत काफी संख्या में शिक्षक, शिक्षिका और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। ज्योति नर्सिंग होम नाथनगर में स्त्री रोग एवं जनरल सर्जरी आयुष्मान भारत के तहत सब सारे लाभार्थियों का निःशुल्क दूरबीन एवं जनरल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। मैं डॉक्टर अन्वेषा स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, साथ में लैप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जरी। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंकेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। होटल अपोलो, हियर एवरी क्यूबिक स्पेस इज अ मिरेकल। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के सुल्तानगंज अगुवानी पुल निर्माण कार्य की जांच करने कनाडा से 2 सदस्यीय टीम मंगलवार को कार्यस्थल पर पहुंची। इस दौरान टीम के सदस्यों ने कुछ दिन पूर्व हवा के झोंके से अगुवानी पुल संख्या 5 का सिस्मेंट गिरने की भी जाँच करते हुए अगुवानी पुल निर्माण कार्य के विभिन्न पाया की भी गहन जाँच पड़ताल की। हालांकि जाँच के दौरान टीम के सदस्यों ने कुछ भी खुलासा तो नहीं किया, लेकिन टीम की सक्रियता से लोगों में पुल के जल्द ही निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद जरूर जग गई है। मौके पर पुल निगम के कई अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। भागलपुर के नाथनगर स्थित SS+2 बालिका उच्च विद्यालय में मैट्रिक की सेंटर टेस्ट परीक्षा चल रही है, जिसमें कुछ छात्रा जमीन पर बैठकर परीक्षा देते दिखे, जबकि इस दौरान एक ही कमरे में काफी संख्या में साथ बैठकर छात्राएं परीक्षा देते दिखाई दी। वहीं एक ओर जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर आए दिन बड़े बड़े दावे करते दिखाई देते हैं, वहीं यह दृश्य बिहार की शिक्षा व्यवस्था और गुणवत्ता पर कई सवाल भी खड़े करती है। हाल यह है कि मुख्यमंत्री के शिक्षकों को कड़े शब्द में चेतावनी के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है और धड़ल्ले से परीक्षा भवन में परीक्षार्थी नकल भी कर रहे हैं, जबकि इस दौरान परीक्षा हॉल में परीक्षक मिथिलेश कुमार भी निगरानी कर रहे थे। वहीं इसको लेकर प्रधानाध्यापिका माधुरी कुमारी ने कहा कि संसाधन के अभाव में छात्राओं को नीचे बैठाकर और एक ही बेंच डेस्क पर कई बच्चों को बैठाकर परीक्षा ली गई, जबकि इस दौरान नकल करने की शिकायत गलत है। परीक्षा चल रही है, किस चीज़ की परीक्षा? सेंटर टेस्ट है, टेंथ का। बैठे हुए हैं सर? जगह कमी है, यहाँ रूम की कमी है, रूम ही नहीं। अच्छा। 1200 बच्चा है, 8-10 रूम है। सेंटर टेस्ट है, सेंटर टेस्ट है। एक रूम में 150 के लगभग बच्चा। जगह रहेगा तब ना, जितना जगह है उसी में बैठाए हैं हम। सरकार अधिकारियों से आप इसकी शिकायत नहीं किए हैं? क्या शिकायत करें कि यहाँ जगह की कमी है? जगह की कमी तो है ही, बार बार लिखा जा रहा है, तो जो जगह जितना है उसी में काम कर रहा है, तो जगह नहीं बनेगा। बच्चियां नहीं, कहीं नहीं लिखा। वहाँ रूम में आप चलिए, आपको दिखा देते हैं। कहीं नहीं, गलत बात। पीरपैंती प्रखंड के झारखंड बिहार सीमावर्ती क्षेत्र से गुजरने वाली ग्रामीण सड़क से ट्रैक्टर द्वारा अवैध खनन का सिलसिला जारी है। इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र से अवैध ओवरलोड ट्रैक्टर बिना चालान की गिट्टी लेकर कीर्तनिया, नामनगर, गौरीपुर, झुरकशिया, बरमसिया गाँव होते हुए गुजरते हैं, जबकि इस दौरान पीरपैंती एवं मिशीपुर थाना क्षेत्र के अवैध रूप से संचालित डिपो में जाकर डंपिंग भी की जाती है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि ट्रैक्टर की आवाज से गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और रात के 12 बजे से सुबह 3 बजे तक ट्रैक्टर की आवाज से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। साथ ही इसके कारण बच्चों के पठन पाठन पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा लोगों ने कहा कि प्रशासन भी मूकदर्शक बनी हुई है। हालांकि SDM एवं माइनिंग अधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ डिपो संचालकों पर नकेल कसने के लिए अभियान चला रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी डिपो संचालकों पर कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग सुन नहीं पाते हैं ना, घर में कोई गेस्ट आ गया। स्कूल के मास्टर हैं, उसी बच्चे के टाइम में कितना तकलीफ करना पड़ता है। क्या क्या समस्या? बच्चा गोखला, सबसे बड़ा स्कूल गोखला मिशन है। इस इलाका का संथाल हो, किसी भी जाति का हो, सब लोग गोखला मिशन जाता है, लेकिन गाड़ी ये लोग बंद नहीं करते हैं कि उस समय
आई यहाँ से कम 5,000 लोग बच्चा जाता होगा गोखला मिशन इस रास्ते से, यहाँ से 5 किलोमीटर से पैदल जाता है। ये ट्रैक्टर की वजह से सुबह सुबह बच्चा लोग पेरेंट्स अपना बच्चे को भेजना नहीं चाह रहा है स्कूल। क्या समस्या होती है सर बच्चों के साथ ट्रैक्टर का परिचालन से? समस्या होती है कि पूरा ट्रैक्टर जाम लगा हुआ रहता है, बच्चा डर से जाना नहीं चाहता। एक दो बार घटना भी घट चुकी है, बच्चा दब चुका है ट्रैक्टर से। अच्छा, बच्चे की मृत्यु भी हो चुकी है? जी जी। बांका के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायती राज कार्यालय के समीप वार्ड सदस्यों द्वारा पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम का पुतला दहन किया गया। इस दौरान वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार झा के नेतृत्व में वार्ड सदस्यों ने पंचायती राज मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि पंचायती राज मंत्री वार्ड सदस्यों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे विकास कार्य बाधित हो रहा है। वहीं पुतला दहन के बाद वार्ड सदस्यों ने मांगों से संबंधित ज्ञापन अमरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सहयोग करने की अपील की। मौके पर वार्ड सदस्य कन्हैया यादव, राजेश रंजन, विपिन ठाकुर, अश्वनी कुमार सहित कई वार्ड सदस्य मौजूद रहे। माननीय मंत्री जी का बयान सम्मानित वार्ड सदस्य के अगेंस्ट में आपत्तिजनक बयान है। वार्ड सदस्य को अनपढ़ गंवार बोला जा रहा है। इस विरोध में हम पंचायत के डेमोक्रेटिक के तहत चुन के आए हैं और किसी वार्ड सदस्य के साथ, जो कि पंचायती राज का एक नींव है वार्ड सदस्य, उनके खिलाफ इतना आपत्तिजनक बयान देना, हम लोग इसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध है कि मंत्री जी का बयान इस्तीफा वापस, उनका इस्तीफा ले। अमरपुर प्रखंड से हम लोग विलंब करते हैं, उसके बाद हम लोग जो पुतला दहन कर रहे हैं, पंचायती राज का हम विरोध कर रहे हैं। जो मतलब पंचायत विभाग में जो है मतलब मंत्री जी हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। काहे विरोध कर रहे हैं? हम लोग जो है ना, लगता है लेबर है, मजदूर है हम लोग जो है ना, जनता चुनकर मतलब प्रतिनिधि चुन लिया है, उसके बाद भी मतलब समस्या में हम लोग का, जनता का समस्या लाते हैं ब्लॉक में बैठने का हम लोग का स्थान नहीं है, हम लोग को मजदूर समझता है। हम लोग यही सरकार से गुजारिश करते हैं, पंचायत स्तर के जो भी मतलब है मंत्री जी, उनसे हम गुजारिश करते हैं, मेरा अधिकार मिलना चाहिए, बैठने का जगह मिलना चाहिए, मेरा जनता का हर अधिकार सुनना चाहिए ब्लॉक में। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में दिव्यांग व्यक्ति के खाते से रिश्तेदारों ने उड़ाए 49 लाख रुपए, पीड़ित ने लगाई एसएसपी से गुहार। किसान चौपाल को लेकर कृषि विभाग ने जिले के पंचायतों में भेजी टीम, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रबी फसल की तैयारी के लिए किसानों को करेंगे जागरूक। भागलपुर में 7 करोड़ की लागत से बने ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति हुई दयनीय, मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति में हो रही है परेशानी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नसबंदी पखवाड़ा की हुई शुरुआत, जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को किया जाएगा जागरूक। और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।